मिसेज अय्यर, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया। खुद हम सबके दो दो बच्चे हैं, लेकिन मेरे तो हाथ पैर ही ढीले पड़ गए। मिसेस अय्यर, आज हमने देख लिया कि पढ़ी लिखी बहू और बेटियां सब कुछ संभाल लेती हैं। थैंक यू, मैं भी बहुत प्राउड हूँ। अरे डॉक्टरी की है उसने, तो क्या हुआ, वो डेंटिस्ट है। सबसे ज्यादा अच्छा तो उसका स्वभाव है, कितने अच्छे से उसने सारा कुछ कर दिया। मम्मी, बच्चे को सहेद है ना, इशिता के हाथ से ही चटा ना। बिल्कुल, इशिता वैसे भी माँ से बढ़कर है उसके लिए। शहद ले आए हम। आप यही हो। मैं तब कहती इशिता, बच्ची नु शहद तू ही चटा। ओनू इस दुनिया से लान वाली तू ही है ना। मैं कैसे? नहीं नहीं, देखिए क्या, मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, लेकिन जस्ट वन थिंग आई हैव टू से, क्या है, आज बहुत खुशी का दिन है, शुभ दिन है, और इशिता ने इतना अच्छा काम किया है। फिर भी एक बात सबको पता होनी चाहिए, क्या है, अब पंजाबी लोग मानते नहीं होंगे शायद, लेकिन हम बहुत मानते हैं, क्या है, बच्चे को पहला शहद चटाना बहुत बड़ी बात होती है, इट्स अ बिग रिचुअल, उसे सबका आशीर्वाद, सबका गुड लक मिलता है बच्चे को। बट एक्चुअली इशिता बांझ है। क्या आप लोग एक बांझ औरत से ये रिचुअल करवाओगे? बोल रही है। सॉरी माधवी, लेकिन क्या है, ये शुभ काम में बैड लक नहीं होना चाहिए, इसके लिए बोल रही हूँ। आप देख लीजिए, क्या है, पोती आपकी है, आपको बताना मेरा फर्ज था जो मैंने कर दिया। क्या है, सारी रस्में ठीक से हो जाए ना तो ही अच्छा लगता है, वरना इस रस्मों का क्या फायदा है ना। वैसे इशु बेटे ने आज बहुत अच्छा काम किया है, एक बच्ची को बचाया है, लेकिन वही बच्ची को अगर कुछ हो जाता है, कुछ बैड लक होता है, प्रॉब्लम होता है, तो ब्लेम किसको करेंगे, इशु को ही ना। कोई नहीं इशिता, मैं भी तो नानी हूं ना बच्चे दी, मैं चटा लूंगी शायद। हाँ, शुक्र है ऐसे हालात में भी सब ठीक ठाक हो गया। दादी, हाय, आ गई तू, देखा है बेबी को, कैसी है? दादी बांझ क्या होता है? बांझ, ये लफ्ज तू कहां से सुन के आई पुत्र, किसने बोला तेरे सामने, तू छड़ पुत्र, जा तू खेल। नहीं, पहले आप बताओ बांझ क्या होता है। देख कितनी रात हो गई है, जा तू सो जा मेरा बच्चा, जा। नहीं, पहले आप बताओ बांझ क्या होता है। अब बताऊं तुझे पुत्र, जिस औरत को बच्चा नहीं होता ना, तो लोग उसे इस नाम से बुलाते हैं, बांझ।
बड़ा गलत लफ्ज है ये, बड़ा ही गलत। दादी मैं अभी आती हूँ। ओ गल सर पुत्र। रोई। हाय रब्बा, किसने सिखा दिया इसे ये लफ्ज? तेरा वर्क। अयो साहब, लगता है कुछ गड़बड़ है, चले देखते हैं। हाय मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। रुको। आप अपने आप को क्या समझते हो? आपने मेरी ईशिमा को बांझ क्यों कहा? एक मिनट ईशिमा, ईशिमा आप रो मत। आप ही तो कहते हो कि जो लोग गलत होते हैं उनको रोना चाहिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग, जीरो मार्क्स। आप सॉरी बोलो ईशिमा को क्योंकि वो बांझ नहीं है। ईशिमा बोलो ना, क्या बांझ नहीं हो? किसने कहा आपसे? तुम गलत कहते हो, मैं बांझ नहीं हूँ। You're right. बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो मेरी बच्ची है, मेरी रूही है मेरे पास। I love my daughter. Thank you. तुमने मुझे माँ बनाया है, मैं माँ हूँ मेरी रूही की। अच्छा, I love you. अभी बहुत लेट हो गया। रुकिए शिदा भाभी। पूजा, पूजा क्या कर रही हो? नीटो वापस, नीटो तो। रोहित ठीक तो कह रही है। आप बांच कहाँ हो? मेरे और मेरे बच्चे के लिए आप तो देवी हो। आपने तो जन्म दिया है इसे। जब किसी को नहीं पता था कि क्या करना है, तब आपने तो बचाया है हमें। रोहित बेटा, हम लोग ना किसी भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। मैनू भी माफ कर दे शुदा, मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कभी कभी हम खान के इतने कच्चे होते हैं कि कुछ समझ ही में नहीं आता, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इशिता माफ कर दे, माफ कर दे पुत्र बेटा। आज भी कुछ लोगों के इतने तंग ख्यालात हैं कि वो हीरे और पत्थर में फर्क ही नहीं बता सकते, और मैं भी कितनी पागल हूं, किसी और की बातों में आ गई। मुझे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए थी। देखिए, मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। पहले जब भी कोई मुझे ताने देता था, बांझ कहता था, मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन अब नहीं। भगवान ने मेरी गोद सुनी रखी थी, लेकिन मेरी गोद भर गई। मेरे पास मेरी अपनी बच्ची है, अब मेरी गोद सुनी नहीं है, मेरी रूही है मेरे साथ।
था, लेकिन ये बहुत बुरा लगता है सोच के कि कुछ लोग दूसरों को यूं ही बस बांज कह देते हैं। उनका बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन उनके जख्मों पे वो बस लगातार नमक छिड़कते रहते हैं। तकलीफ होती है बहुत। क्या है बांज, क्या है इस शब्द का मतलब? वो बांज नहीं है जिसकी गोद खाली है, असल में वो बांझ है जिसका दिल खाली है। और इतनी बड़ी बात ये छोटी सी बच्ची समझ गई, पर हम बड़े नहीं समझ पाए। तू सही कह रही है सीता, मिट्टी डालो इन पुराने ख्याल वालों पे। अब तो ये खुशी का मौका है, चलो चलो जल्दी मिठाई मंगाओ। पर इस कर्फ्यू में कहाँ मिलेगी मिठाई, वो भी इस वक्त? अरे मेरे घर पे मिठाई पड़ी, मैं जाके लेके आती हूँ।